हाई एवरीबडी वेलकम टू अभिमन्यू आई एस इंडिया इज बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू पी एस सी एंड अदर स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इशू एंड एनालिसिस की सीरीज़ के अंदर आज हम एनवायरमेंट में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो है सिक्सथ मास एक्सटिंक्शन अभिमन्यु आई एस जो है ये सीरीज चला रहा है टू हेल्प यू गाइज वू आर प्रिपेयरिंग फॉर यू पी एस सी मेन्स एंड अदर स्टेट सर्विसज मेन्स के जो एग्जामिनेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा मेरा नाम मनिंदर है एन आई एम पंजाब पी सी एस रैंक थर्टी सिक्स प्लस एजन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैकल्टी मेम्बर्स एट अभिमन्यू आई एस तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं तो देखिए सिक्सथ मास एक्सटेंशन की बात हम कर रहे हैं तो so पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वॉट एक्जैक्टली वे आर यू नो लुकिंग एट एक्सटेंक्शन किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं हम जब एक्सटेंक्शन की बात करते हैं तो हम अपने ऑर्गेनिज़म्स की बात करते हैं जो हमारे प्लानट को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे ये एक्सटेंक्शन दो टाइप की हो सकती है एक तो एक पर्टिकुलर प्लान पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की एक्सटेंक्शन हो गई या फिर बहुत ही हाई लेवल पे एक्सटेंक्शन हो जाए यानी कि बहुत ऑर्गेनिज़म्स की अगर लार्ज स्केल के ऊपर डेथ हो जाए और वापस वो ना आ सकें ऐसी एक्सटेंक्शन को हम मास एक्सटेंक्शन की कैटेगरी में डालते हैं जो हमारे जोग्राफ़र्स हैं या फिर जोलॉजिस्ट हैं या फिर दूसरे जो थिंक टैंक्स है इसके अंदर ये क्लासिफाई करते हैं कि वो मास एक्सटिंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे इन्होंने ये बोला है कि अगर अर्थ मोर देन थ्री क्वार्टर्स ऑफ इट स्पीशीज़ लूज कर जाए इन अ वेरी जियोलॉजिकली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देखिए फोकस कीजिए जियोलॉजिकली के ऊपर जियोलॉजिकली का मतलब है कि जोग्राफिकल टाइम पीरियड जो कि बहुत छोटा टाइम पीरियड हो उसमें अगर हमारी मदर अर्थ मोर देन थ्री क्वार्टर ऑफ इट स्पीशीज मतलब 75 परसेंट से ज़्यादा स्पीशीज़ हम लूज़ कर जाएं तो हम उस पर्टिकुलर इवेंट को मास एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में डालेंगे अभी तक भारत पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो टिल नाउ फाइव ऐसी मास एक्सटेंक्शन्स देखने को मिली हैं टिल नाउ पांच मास एक्सटेंशन जो हैं वो देखने को मिली हैं तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं ऐसी कौन सी पांच मास एक्सटेंशन उनका टाइम स्केल क्या है तो इस चार्ट के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो यहाँ से हम शुरू करते हैं तो 89 परसेंट ऑफ द जूलॉजिकल टाइम जो था अभी तक जो था उसमें तो कभी कोई मास एक्सटेंक्शन नहीं हुई लेकिन जो ये फाइव मास एक्सटेंक्शन हुई हैं ये इलेवन परसेंट ऑफ़ द जूलॉजिकल टाइम में हमें देखने को मिलती हैं अगर हम इसको आगे एक्स्ट्रापोलेट करें तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि फोर मिलियन ईयर्स एगो यानी कि आज से तकरीबन 440 मिलियन साल पहले फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन होती है जिसको हम ऑडिविशियन मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं इसके बाद ठीक 140 मिलियन ईयर्स उसके बाद डिवोनियन मास एक्सटिंक्शन देखने को मिलती है 252 मिलियन ईयर्स अगो हमें परमियन मास एक्सटिंक्शन देखने को मिलती है और टू मिलियन ईयरस को हमें ट्राइएसिक मास एक्सटेंक्शन देखने को मिलती है जो लास्ट मास एक्सटेंक्शन जो हमारी मदर अर्थ ने विटनेस की वो क्रिटेशियस पीरियड में देखने को मिली जो 65 मिलियन ईयर्स एगो हमें देखने को मिलती है इन पांचों मास एक्सटेंक्शंस के जो रीजंस हैं वो डिफरेंट हैं थोड़ा सा देख लेते हैं अगर हम बात करें सबसे पहली मास एक्सटेंक्शन जो फोर मिलियन ईयर्स एगो थी ये मास एक्सटेंक्शन का मेन रीज़न था इंटेंस आइस एज मतलब बहुत ज़्यादा आइस एज हो गया था काफ़ी ज़्यादा और इसमें ऑलमोस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द ग्लोबल स्पीशीज़ जो थी वो एक्सटिंक्ट हो गई इसके बाद अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट डिवोनियन मास एक्सटिंक्शन देखने को मिली जब बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल्स में ड्रॉप आ गया थर्ड मास एक्सटिंक्शन जो थी परमियन और ट्राएस के टाइम पे, इस टाइम पे हमारे जो डायनासॉर्स थे ये ख़त्म हो गए डाइनासॉर्स की मास एक्सटिंक्शन के पीछे मेन रीज़न जो था वो था वोकैनिक एक्टिविटी इंटेंस हो गई और साथ साथ में एस्टोराइडस का भी इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला और लास्ट मास एक्सटिंक्शन 65 मिलियन ईयर्स एगो हुई जब एस्टेरायड इंपैक्ट की वजह से जो थोड़े बहुत डायनासॉर्स रह चुके थे वो भी एक्सटिंग एलिमिनेट हो गए वो भी एक्सटिंक्ट हो गए तो ये पांच मास एक्सटेंक्शंस अभी तक मदर अर्थ ने जो है विटनेस की हैं अभी जोग्राफर्स ये बोलते हैं कि द मदर अर्थ इज़ गोइंग थ्रू द सिक्स मास एक्सटेंशन सिक्स मास एक्सटेंक्शन का मतलब है कि हम जैसे यू नो मोर देन 70 परसेंट ऑफ द स्पीशीज वर डिक्लाइनिंग वैसे ही जो आज का टाइम है इस टाइम पे भी बहुत ही मैसिव स्केल के ऊपर डिक्लाइन इन पॉपुलेशन रजिस्टर की जा रही है जिसको प्रॉबेबली हम सिक्स मास एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में डालते हैं और इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है वो इंटरनल फैक्टर ही है और एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के ऊपर इसका पूरा जो है क्राइम uh, जाता है और वो स्पीशीज़ है हम खुद होमोसेपियंस तो ये बोला जा रहा है कि जो सिक्स मास एक्सटिंक्शन है इसका मेन रीज़न होमोसेपियंस है तो लेट अस सी अबाउट दैट सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे कौन से रीजंस हो सकते हैं मास एक्सटिंक्शन होने के डेफिनेटली एस्टेराइड का स्ट्राइक हो सकता है हैबिटेट का लॉस हो सकता है क्लाइमेट चेंज हो सकता है जेनेटिक डाइवर्सिटी में लैक हो सकता है अडाप्ट नहीं कर पाते कुछ स्पीशीज़ तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं एक्सटेंक्शन के होने के अब देखते हैं रीजन एंड इम्पैक्ट्स ये जो पांचों मास एक्सटेंक्शनस हुई हैं साढ़े चार सौ साल से इनकी वजह से ऑलमोस्ट सेवेंटी टू 95 फाइव परसेंट ऑफ द स्पीशीज़ जो है प्लांट्स एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ये वैनिश हो गई हैं जो पहले एग्जिस्ट करती थी इसके अलावा ये एक्सटेंक्शन व कॉज बाय कैटास्ट्रॉफिक अल्ट्रेशन मतलब ऐसे बिल्कुल you know, ही स्पॉन्टेनियस अल्ट्रेशन हो कोई एस्टेरॉयड इम्पैक्ट हो गया कोई वलकैनिक करप्शन हो गई जिसकी वजह से ये मास एक्सटेंशन देखने को मिली और इन सारी मास एक्सटेंक्शन के बाद ऑलमोस्ट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं आपको दोबारा से वो यू नो इको को क्रिएट करने में सिक्स मास एक्सटिंक्शन जैसे मैंने आपको बताया इसका जो मेन रीजन है वो है एंथ्रोपोसिन एक्सटिंक्शन एंथ्रोपोसिन वर्ड का मतलब होता है ह्यूमन लेड यानी कि ह्यूमन का जो एरा है उस एरा में ये एक्सटेंक्शन देखने को मिल रही है और इसका मेन जो फैक्टर वो है कि सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से ये मास एक्सटेंशन हम विटनेस कर रहे हैं वन ऑफ द रीज़न ये है कि ह्यूमैनिटी मतलब हम लोगों ने इतना ज़्यादा चेंजेस कर दे कर दिए हैं अनप्रिसिडेंटेड थ्रेट हमने क्रिएट कर दिया है बिकॉज हमारा नंबर ग्रो होता जा रहा है देखिए अगर हम बात करें पिछले 11,000 थाउजेंड ईयर्स तो जोलॉजिकल टाइम स्केल में ये बहुत ही कम समय होता है 11,000 थाउजेंड ईयर्स के अंदर हमारी पॉपुलेशन 1 मिलियन मतलब 10 लाख से बढ़ के सेवन बिलियन हो चुकी है और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से हमने नेचुरल रिसोर्स को बहुत ही हद तक एक्सप्लॉयट किया है जिसकी वजह से हमारी स्पीशीज़ जो हमारे से अलावा जो बाकी स्पीशीज़ है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही और दैट इज़ द पॉसिबल रीज़न ऑफ द सिक्स मास एक्सटेंक्शन दैट इज़ गोइंग you ऑन know, थोड़ा सा डेटा अगर हम देख ले तो शायद और बेटर पिक्चर समझ में आएगा अगर आप देखो वटीब्रेड्स की पॉपुलेशन तो 400 सौ वटीब्रेड स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई लास्ट सेंचुरी के अंदर यानी कि पिछले 100 साल में 400 सौ वर्टी स्पीशीज खत्म हो गई जिनको दस हजार साल लगने चाहिए थे अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ एवोल्यूशन होता तो, तो यानी कि ये तो बहुत ही डेंजरस है कि हमने जो चीज़ हंड्रेड इलेवन थाउजेंड ईयर्स में करनी थी वो हमने सिर्फ हंड्रेड ईयर्स में ही करके दिखा दी हमने सैंपल लिया वन सेवेंटी सेवन स्पीशीज का लार्ज मैमल्स का और इसमें ये देखा गया कि मोस्ट लॉस मोर देन एट्टी परसेंट ऑफ द जोग्राफिकल रेंज इन द लास्ट वन हंड्रेड ईयर्स यानी कि पिछले सौ सालों में अस्सी परसेंट से ज्यादा ये स्पीशीज ने अपना जोग्राफिकल एरिया लूज कर दिया एंड थर्टी टू परसेंट ऑफ ओवर ट्वेंटी सेवन थाउजेंड वर्टी स्पीशीज आर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग रजिस्टर करते जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ करंटली एंडेंजर्ड हो चुकी है और कुछ तो ब्रिंक ऑफ एक्सटेंक्शन की ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन पे भी पहुंच चुकी हैं बहुत स्पीशीज़ है मैमल्स की जो बहुत ही सेफ होते थे एक या दो टिकेट्स पहले अब वो सारी एंडेंजर्ड होती जा रही है जैसे जिराफ का अगर एग्जाम्पल लें चीता का एग्जाम्पल लें या लायन का एग्जाम्पल लें तो कुछ समय पहले ये एंडेंजर्ड नहीं थे ये सेफ स्पीशीज क्लासिफाई होती थी लेकिन आज के टाइम पे ये एंडेंजर्ड स्पीशीज की क्लासिफिकेशन में आ चुका है ऐसा नहीं है कि ये एक्सटिंक्शन सिर्फ कुछ ही एरियाज़ में फोकस है इनफैक्ट पूरे दुनिया में ही देखने को मिल रही है लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे ये एक्सटेंक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई स्केल पे चल रही है जैसे अगर बात करें हम ट्रॉपिकल रीजन्स की तो ट्रॉपिकल रीजन्स जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ डिक्लाइनिंग स्पीशीज़ हाइएस्ट नंबर ऑफ डिक्लाइनिंग स्पीशीज़ को रजिस्टर कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया मतलब हमारा खुद का देश या फिर हमारे देश के साथ जो साउथ ईस्ट एशिया लगता है यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है ऐसा नहीं है कि टेम्परेट एरियाज में यह नहीं है टेम्परेट एरियाज में टेंट नंबर कम है लेकिन स्टिल पॉपुलेशन डिक्लाइन की स्पीड उतनी ही है सो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्या होता है जब कोई एक्सटेंशन हो जाती है या मास मासन हो जाती है तो सबसे पहली चीज तो यू नो टेंजिबल फॉर्म के अंदर अगर, अगर देखें तो लॉस इन क्रॉप पॉलिनेशन एंड वाटर प्योरिफिकेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है स्पीशी का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है सिस्टम के अंदर अगर वो स्पीशी ख़त्म हो जाए तो फूड चेन पूरा का पूरा इंपैक्ट हो सकता है पूरा एंटायर इकोसिस्टम बदल सकता है अगर एक स्पीशी ख़त्म हो जाए तो और फाइनली जब बहुत ज़्यादा स्पीशीज का डिक्लाइन होना शुरू हो जाए तो ऐसा इकोसिस्टम में चेंज होता है कि हम इकोसिस्टम को वापस रिवाइव करना मुश्किल हो जाता है तो ऐसे बहुत मेजर इश्यूज मतलब कहने का मतलब है अगर एक इतना बड़ा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होगा तो इट विल लीड टू मोर कैटास्ट्रॉफिक इवेंट एंड देन थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ हैड तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो सिक्स मास एक्सटिंक्शन करके दिखा सकती है क्या करना चाहिए हमें इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने डेफ़िनेटली हमें फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना चाहिए बर्न करना बंद करना चाहिए फॉसिल फ्यूल्स की जगह हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और बाकी जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं उनके ऊपर फोकस करने की इम्पेटिव नीड जो है वो हो चुकी है नो डाउट अबाउट इट कि हमें अर्थ के जो वल्नरेबल जो एरियाज़ है जैसे लैंड ओशन्स ये सारे को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इंपेरेटिव हो चुका है हमें कोशिश करनी है कि यहाँ पे जो बायोडावर्सिटी है उसको हम प्रोटेक्ट करें और स्पीशीज को थ्राइव करने के लिए एक अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड करें हमें इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को रोकना पड़ेगा बहुत ज़्यादा इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग होती है फॉर पार्ट्स फॉर बॉडी ऑर्गन्स तो ये इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग वन ऑफ द मेजर रीज़न है फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड तो हमें इनको फाइट करने के लिए अच्छी पुलिस सिस्टम्स अच्छे नेट कनेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट्स और एक अच्छा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेवलप करना बहुत ज़रूरी है तब जाके ये स्पीशीज़ जो है वो बचेंगी हमें पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ़ ह्यूमंस को स्लो करना है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जाएगी तो वो रिसोर्स के ऊपर प्रेशर भी बढ़ाएगी और मोर द रिसोर्सेज आर बींग यूज मोर इज द प्रॉब्लम उसके ऊपर भी फोकस करना है हमें नेचुरल वर्ल्ड के साथ दोबारा से रिकनेक्ट करना पड़ेगा बिल्ड बैक द बेटर देखिए कोविड 19 की सिचुएशन के बाद हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम सेट बैक करें मतलब थोड़ा रेस्ट करें और समझें कि जो दुनिया हम पोस्ट कोविड बनाना चाहते हैं वो कैसी होनी चाहिए वो दुनिया क्या वही सिस्टम पे चलती रहे जैसे वो पहले चलती है विच विच वर्कस ऑन द बेस ऑफ एक्सप्लाटेशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर हम चाहते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन यू नो ग्रोथ के ऊपर फोकस करें तो बिल्ड बैक बेटर हमें करना पड़ेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जिस विच इज़ कॉल्ड थर्टी इंटू थर्टी तो हमें 2030 तक ऐसे 30 इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे जो भारत और दुनिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना है जैसे हमें यू नो रिसाइकल का सिस्टम क्रिएट करना है ऐसी चीज़ें ऐसी 30 ऐसे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे जो हम 2030 तक कम्प्लीट करें और जिससे हमारा कहीं ना कहीं बायोडावर्सिटी जो है वो प्रोटेक्ट हो और लास्ट जो पेरिस अग्रीमेंट्स के अंदर हमने कमिटमेंट्स की हैं देशों ने कमिटमेंट्स की हैं दुनिया ने कमिटमेंट्स की हैं कि हम ये करेंगे हम ये करेंगे ताकि हम कोशिश करें कि क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम हमारे सामने ना आए तो क्लाइमेट चेंज को अगर हम प्रिवेंट कर सके सामाओ तो वी कैन डेफिनेटली प्रिवेंट द लॉस ऑफ डाइवर्सिटी एंड डेफिनेटली वी कैन पुट अ हॉल्ट ऑन वॉट इज कॉल्ड द दिक्सथ मास एक्सटेंशन तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिमन्यू आई थैंक यू